हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज। दोस्तों, बिहारी न्यूज लगातार विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती रही है, बातचीत होती रही है और विभिन्न जो सामाजिक सरोकार की बातें हैं उसको उठाती रही है। कई महीनों से, यूं कहें तो हालांकि दो वर्षों से यह मुहिम चल रही थी, लेकिन बिहारी न्यूज कई महीनों से एक मुहिम को आगे लेकर चल रही थी। आज उस मुहिम का नतीजा यह है कि सरकार ने उसकी बात को सुनी और उसका परिणाम आ गया। जी हाँ, दरअसल हम बात करें बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क रिजल्ट की। लगातार कई महीनों से परेशान रिजल्ट के इंतजार में हलकान छात्र बहुत ही बेबस हो चुके थे और रिजल्ट के इंतजार में एकदम कह सकते हैं कि वो निराश हो चुके थे। बिहारी न्यूज समय समय पर उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और आज यह नतीजा है कि अंततः सिविल कोर्ट क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आ गया है और उसके एक सदस्य जो अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं, अजय शंकर जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार अजय शंकर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंतिम रूप से अपना स्थान बना लिया और यूं कहें तो एक उस दौर से आप निकल गए और आप मतलब एक स्थान पा लिए जिस दौर में आज करोड़ों छात्र फंसे हुए हैं जी। यानी हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। तो दोस्तों, यूं तो आपको पता होगा कि पिछले कई मुद्दों को लेकर हम लोग सामने आ रहे हैं और इसी दौरान हमने एक नया सेक्शन शुरू किया है, वो है ज्ञानपीडिया का। बिहारी न्यूज ज्ञानपीडिया के माध्यम से विभिन्न चीज़ों को, विभिन्न मुद्दों को आपके सामने ला रही है। इस दौरान आज हम अजय शंकर जी से बात करेंगे बेरोजगारी की समस्या पर। एक बेरोजगार, यूं तो बेरोजगारी शब्द अब मतलब कह सकते हैं रोजगार के लिए कम और पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा यूज किए जाते हैं, परंतु बेरोजगारी हमारे समाज की एक ऐसी कड़वा सच है जो जिसमें लगभग अधिकतम युवा उसमें फंसे हुए हैं और जिन्हें इससे निकलने के लिए न तो सरकार आगे आती है, न ही हमारा समाज इस पर कुछ विशेष कर पाता है और सिर्फ इसके भुक्तभोगी अगर होते हैं तो वो होते हैं हमारे देश के युवा। दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या पर अगर हम चर्चा करें तो ये बहुत बड़ी समस्या है और आज हम अजय शंकर जी से बेरोजगार युवा, बेरोजगारी और बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहे अन्याय, बेरोजगार युवाओं के साथ होने वाले समस्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अजय शंकर जी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से बिहारी डॉट न्यूज में और मैं बात करूंगा कि अजय जी, आप एक कह सकते हैं कि जो आपने एक रेस में भाग लिया था, हालांकि पिछले कई रेसों से आपने मतलब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने बैठा और उसमें आप रिजल्ट लाने में किसी में सफल हो गए, किसी में असफल रहे, फाइनली आपने सिविल कोर्ट क्लर्क में अपना स्थान बना लिया है। तो एक छात्र के नाते, एक प्रतियोगी छात्र के नाते आप अपनी समस्याओं को समाज में इनकी अवस्थाओं पर थोड़ा सा चर्चा करें। हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं जी। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और सबका स्वागत है और मैं इस समस्या के बारे में यही कहूँगा कि जब भी एक छात्र बेरोजगार होता है तो उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनमें सबसे जो जटिल समस्या होती है, जिसको वो मतलब सहन नहीं कर पाता है या सहन करने में बहुत ही परेशानी होती है, वह यह होता है कि अपने ही समाज में अपने ही अभिभावकों के द्वारा किया गया कटाक्ष, व्यंग, ये बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। और इसमें है क्या कि अभी जो हमारा सरकार का स्थिति है या फिर लचर व्यवस्था कह सकते हैं कि कोई भी परीक्षा हो रहा है तो उसमें है क्या कि पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, लेकिन उसके बीच में एक केस फाइल हो जाना जिसके कारण से परिणाम को और भी लंबित हो जाता है और ये जो चीज़ है ना, ये उसके करियर में सबसे बड़ा बाधा के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि हमें जो है साल डेढ़ साल का प्रक्रिया है जिसको पूरा करते करते 3-3.5 साल लग जा रहे हैं। तो उस बीच में अब हमारे जो समाज में जो अभिभावक हैं, अरे तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, फलाने के बेटे का रिजल्ट आ गया,
अब ये जो व्यंग होती है ये अपने अंदर ने एक छात्र को इतना ज्यादा उद्वेलित कर देती है कि उसे लगता है कि मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, दिन रात पढ़ रहा हूँ, आखिर हो क्या रहा है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि छात्र जब बेरोजगार होते हैं तो उनके पास आर्थिक तंगी भी होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे छात्र जो है वो एक संपन्न परिवार से जुड़े, तो उस समय में उनके पास कॉपी किताब का बोझ, रहने खाने का बोझ। और दूसरा चीज़ है कि अभी करोड़ों बच्चे बेरोजगार हैं और उसमें से सैकड़े या हजार के संख्या में निकल भर्ती आती है, तो उस बीच में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर उनको अपना स्थान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरा चीज़ ये है कि इस व्यंग और आर्थिक तंगी के अलावा जो तीसरा एक और सबसे बड़ा बात ये है कि सरकार जो है अभी तक मैंने इस तरीके का कोई प्रक्रिया नहीं अपना रही है जिससे कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। तो ये जो समय की बर्बादी हो रही है उसमें कई सारे ऐसे युवा जिनका एज ही खत्म हो जा रहा है, उम्र ही खत्म हो जा रहा है, तो अब इस आखिरी उम्र के पड़ाव में वो और भी अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे हैं और अपने आप को बोझ बना ले रहे हैं, बोझ मांगने लग रहे हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, कुछ गलत कदम उठा ले रहे हैं। तो ये तमाम कठिनाइयाँ हैं एक बेरोजगार छात्र के। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं अजय शंकर जी हमसे बातचीत कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या जैसा कि अजय शंकर जी बताएं कि एक बेरोजगार छात्र के ऊपर बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, उन पर जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी के तले वो दबा हुआ रहता है, बावजूद इसके अगर रिजल्ट ना आए तो वो बहुत तरह के गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाता है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो एक बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों को मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज की सच्चाई है। बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, देखेंगे बिहार में या भारत में बेरोजगारी कितनी तेजी से फैली हुई है, रोजगार क्या है, बेरोजगारी की हालात क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करते रहेंगे। और तो अजय शंकर जी, एक छात्र होने के नाते जैसे कि लगातार आपने सिविल कोर्ट क्लर्क की बात अगर हम करें तो पिछले 2 साल से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे जी, और अंततः यह रिजल्ट आया जी, आप उसमें चयनित भी हुए। बहुत सारे बच्चे, कुल कितने सीट थे इसमें? कुल इसमें 1681 सीट थे। और इसके लिए मतलब कितने छात्रों ने मतलब ये किया था? कम से कम लाख के आसपास तो जरूर किए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कम सीट में और लाखों के छात्र भर्ती कर रहे हैं, मतलब भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में ऐसा एक उदाहरण देखने को मिला रेलवे के लिए, जब रेलवे में 63,000-60,000 के लगभग में वैकेंसी निकली और उसमें लगभग करोड़ों की संख्या में छात्रों ने अप्लाई किया। ये हमारी बेरोजगारी, हमारे समाज में फैली बेरोजगारी को दर्शाने के लिए एक सबसे प्रबल उदाहरण है। आज जैसा कि देख रहे हैं भारत में वर्तमान में जो बेरोजगारी 6% लगभग जो है, तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि रोजगार की जो अवसर पैदा हो रहे हैं या छात्र बेरोजगार ही रहेंगे आने वाले समय में भी? जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ को बहुत ही खुले तौर पे कहना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में जो बेरोजगारी की परिभाषा है वह बिल्कुल बदल गई है और वह गलत है, क्योंकि अभी क्या है कि लोग ये मानने लगे हैं कि रोजगार का मतलब जो है क्या है कि सरकारी नौकरी, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, और बेरोजगार का मतलब यह है कि सरकारी नौकरी में ना होना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बेरोजगार का यही परिभाषा है कि वो कहीं काम नहीं कर रहा, उद्यम नहीं कर रहा है, लेकिन और रोजगार का परिभाषा यह है कि वो कहीं भी इज्जत से पैसा कमाए, मेहनत करके अपने स्किल को डेवलप करे और उस स्किल से वो अर्निंग करे, तो ये रोजगार कहलाता है। लेकिन हमारे अभी खास करके बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में अभी जो रोजगार का परिभाषा ये हो गया है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप रोजगार हैं, अन्यथा आप बेरोजगार हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है और आप इस चीज़ को बिल्कुल देख सकते हैं कि ग्रुप डी जैसे परीक्षा को देने के लिए पीएचडी होल्डर वाले लोग पहुँच जाते हैं, एमबीए वाले भी पहुँच रहे हैं वहाँ तक, बीटेक करके लोग जा रहे हैं बिल्कुल एक क्लर्क बनने के लिए, क्योंकि वो सरकारी है बस इसलिए। तो ये कहीं मना किसी भी हद तक ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की एक मानसिकता है कि सरकारी नौकरी में अगर 1500 भी मिलता है तो सरकारी मुहर होना बहुत जरूरी है जी, ये अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो मान्यता उसकी नहीं मिलती है। और इस चीज़ इस सोच से ऊपर उठना होगा, क्योंकि जैसा कि हमारे देश का विकास दर है
और बेरोजगारी का दर है, सॉरी, जैसा कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर है और रोजगार जिस हिसाब से उत्पन्न हो रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से बेरोजगारी कभी खत्म नहीं हो सकता, बस कुछ परसेंट लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आम युवाओं को इस बात को समझना होगा, हमारे समाज के लोगों को समझना होगा कि नौकरी सिर्फ सरकारी ही बेहतर नहीं है। अब रोजगार के सेक्टर में कह सकेंगे, रोजगार के क्षेत्र में तो लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी का होना, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सरकारी नौकरी के प्रति जो लालसा है यही बेरोजगारी को पैदा कर रही है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर यहाँ पे, ये है क्या कि जैसे हमारे अभिभावक जो हैं, ये देखिए हमारा जो समाज है ना, इसमें हर एक प्रकार के हर एक वर्ग के लोगों का रहना बिल्कुल जरूरी है, और किसी वर्ग को अगर हम दरकिनार करते हैं, अगर हम उनको दबाव डालते हैं किसी भी प्रकार से, तो ये कतई जो है उचित नहीं है। और होता क्या है कि हमारे अभिभावक बस ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में चले गए तभी वो रोजगार पर हैं, वरना वो तो बेरोजगार हैं। तो मैं सारे अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समाज को एक तरफा बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ऐसे अगर हमारा समाज जो एक तरफा होता रहा तो ये हमारे समाज का पतन फिर निश्चित है। इसलिए समाज को कभी एक तरफा ना बनाएं, उसको बिल्कुल ही समतुल्य रहने दे और बिल्कुल ही एक बराबरी से सबको आगे बढ़ने दिया जाए। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें, अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें कि वो उस सेक्टर में भी जाके करें, बिजनेस में जाकर अपना नाम करें, सिर्फ सरकारी नौकरी ही उनके जीने के लिए कोई आधार नहीं है। तो अभिभावकों को ये सोचना होगा और अपने सोच में ये बदलाव लाना होगा कि अगर हमारा बच्चा कहीं भी पढ़ के आया है तो वो इस देश के किसी भी कोने में किसी भी सेक्टर में जाके वो रोजगार कर सकता है, उसके लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ऑप्शन नहीं है, उस पर इस बात की दबाव ना दिया जाए। अजय जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार या देश में, भारत देश में बेरोजगारी की, हम इसके लिए अक्सर सरकार को दोषी मानते हैं, हालांकि सरकार इस पर योजनाएं भी ला सकती है। मैं किसी सरकार के विरोध में नहीं बोला या मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोला, मैं बात कर रहा हूँ बेरोजगारी की, मैं बात कर रहा हूँ रोजगार की कमी की। हालांकि अभी हमारे पास एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम बात करें तो भारत में वर्ष 2016 की बात करें तो भारत में कुल 11,17,00,000 बेरोजगार हैं। जी, एक बड़ी संख्या में लोग, जिसमें 1,30,00,000 खुले तौर पर बेरोजगार थे और 5,20,00,000 प्रचंड बेरोजगार के शिकार थे। अगर हम ये देखें कि श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट को अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 18-29 वर्ष के 2.3% युवा हैं वो अशिक्षित बेरोजगारी के शिकार हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि बेरोजगारी जो विभिन्न तरह की बेरोजगारी होती है और विभिन्न स्तर पे बेरोजगारी काम करती है, जैसे कि देख लेते हैं कि कहीं पे एक युवा वर्ग जो 18 से लेके जब वो रोजगार करने के लिए समझे जाते हैं, सरकारी फॉर्म भरने के लायक या किसी भी जगह पे काम करने के लायक माने जाते हैं, तो वहाँ से अगर उनको देखें या स्नातक हो गया, PG कर लिया या उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं वो करने के बावजूद भी अगर रोजगार की कमी होती है तो उन सब पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट की बात अगर हम करें तो स्नातक या उससे ऊपर वाले लगभग 23.9% युवा जो है वो बेरोजगार है, जो कि अजय जी बहुत ही बड़ा एक ये कह सकते फासला है रोजगार और बेरोजगारी के बीच का। तो इस फासले को कैसे दूर किया जा सकता है, हमारे छात्र इस रोजगार के लिए मतलब जो रात दिन प्रयासरत हैं क्या करना चाहिए इस समस्या से निपटने के लिए? हमें कम से कम 3 बातों पे जो बेहद तरीके से ध्यान देना होगा। सबसे पहला तो ये कि हमारे जो अभिभावक हैं, जो समाज में लोग रह रहे हैं और खास करके जो समाज के अगुआ कहे जाते हैं, सबसे पहले वो लोग अपना मानसिकता बदलते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, इसको ना करके वो उद्यम का बढ़ावा दें, उनको बच्चों को रोजगार के लिए जो है बिजनेस करा दें और उनके स्टैंडर्ड का बिजनेस कराएं, उनको प्राइवेट सेक्टर में भेजें। तो इसके क्या है कि जब इस तरीके से जब बच्चों को विभिन्न सेक्टर में भेजे जाएंगे तो ये बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। दूसरा ये कि जो हमारे सरकार हैं ये रोजगार अगर सृजन कर रही हैं
तो इस सृजन की प्रक्रिया को थोड़ा और तेज किया जाए। अभी आप देख रहे होंगे जैसे बीपीएससी की वैकेंसीज को 3 साल 4 साल क्लियर होने में, बिहार एसएससी की वैकेंसी को देख लीजिए, अभी फॉर्म भरा जा चुका है बिहार इंटरमीडिएट का, लगभग 4 साल होने को और अभी तक परीक्षा पीटी नहीं हुई। बिल्कुल, फिर से बार बार उसका डेट बढ़ाया जा रहा है। बिहार एसएससी की बात करें, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वर्ष 2014 में जिसकी वैकेंसी निकली और आज तक वह 4 साल भी पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उस पर किसी भी तरह का कोई, एक आध बार सरकार ने इस पर प्रयास भी किया एग्जाम देने का, लेकिन विभिन्न तरह की समस्याओं की वजह से वो एग्जाम कैंसिल हो गया। आज फिर सरकार ने उसको उसके डेट को तक दिसंबर में फिक्स किया है, लेकिन देखना यह है कि यह परीक्षा वहाँ तक हो पाती है, तब तक हो पाती है नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं और ये जो तरीके हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए, ये भी गलत हम कह सकते हैं। और दूसरा जो मैं बताया कि सरकार इस प्रक्रिया को तेज करे जी और समय सीमा के अंदर में इस प्रक्रिया को समाप्त करके लोगों को ज्वाइन करा ले। और तीसरा जो इस समस्या से निपटने का जो तीसरा स्टेप मेरे अनुसार है वह है कि युवा भी, जो युवा लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो चाहते हैं कि मुझे नौकरी, तो जिनको सच में सरकारी सेक्टर में जाने की लालसा है तो वो उसके लिए प्रयासरत रहे हैं, लेकिन जो दबाव में आकर कर रहे हैं या फिर मनमने ढंग से कर रहे हैं वो अपने पसंद के फील्ड में जाए। सरकारी में जाने की कहीं कोई ये नहीं है, वो अपने पसंद का बिजनेस कर लें, वो अपने पसंद का प्राइवेट सेक्टर चुन लें, और भी बहुत सारे कई तरीके हैं जहाँ से कि वो वैसे बहुत ही इज्जत से कमा के समाज में अपना स्थान बना सकते हैं और हो सके तो वहाँ वो परचम लहरा सकते हैं। अभी जैसे मैं देखा एक उदाहरण के तौर पे, मैं उनका नाम तो अभी नहीं बता पाऊँगा, दरअसल उन्होंने नेल आर्टिस्ट, उन्होंने नेल आर्ट उन्होंने सीखा और अपने ही गली मोहल्ले से उन्होंने ये जो कौशल विकास है ना उसके तहत उन्होंने सीखा और उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला। और ब्यूटी पार्लर वो कहीं मैंने बस एक नाम है, लेकिन उनका ब्यूटी पार्लर जो चल रहा है वो नेल आर्ट के लिए चल रहा है। और उन्होंने नेल आर्ट इतना अच्छा उन्होंने करना शुरू किया, वो दोनों लड़कियाँ दरोगा के लिए तैयारी करती थी और अभी स्थिति ऐसा है कि वो दोनों को जब पेरेंट्स का सपोर्ट मिला तो उन्होंने उस पार्लर को खोला और अभी अच्छा खासा उनका इनकम है और समाज में एक प्रतिष्ठा बन गया है। पहले लोगों ने काफी आलोचना किया है उनका, लेकिन आज वो उनका प्रतिष्ठा हो गया, वो आराम है। तो जैसा कि बता रहे थे अभी जयशंकर जी कि अपने मन के हिसाब से नौकरी कीजिए, जो जिस चीज़ में आप काम करना पसंद करते हैं, जो आपका मनपसंद काम है उस चीज़ को अपना पेशा बनाइए, उस चीज़ को अपना करियर बनाइए। बेरोजगारी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता है कि बेरोजगारी की स्थिति, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हमारे भारत में है, बहुत ही ज़्यादा डावाडोल स्थिति है। जैसा कि अगर हम बात करें तो पिछले कुछ वर्षों की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद हैं कि अगर श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट की बात अगर हम करें तो वर्ष 2011 बेरोजगारी की दर 3.8% थी। जी हाँ दोस्तों, 3.8%, वही 2012 में यह बेरोजगारी दर 4.7% हो गई, 2013 में यह 4.9% तक पहुंची और वर्तमान में अगर हम बात करें 2015 में फिर लगभग 1,35,000 लोगों को ही नौकरी प्राप्त हो पाई थी। और वर्तमान की बात करें तो 2018 के मार्च की बात करें तो 2018 के मार्च तक 6.3% लोग बेरोजगारी, जो दर उसका बेरोजगारी दर है, यह भारत की वर्तमान बेरोजगारी का रिपोर्ट, सही रिपोर्ट जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी या रोजगार का कितना भयानक स्थिति है, जिसकी वजह से छात्र बहुत ही चिंतित होते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर। अजय जी हम लोग बात कर रहे थे इसमें, तो सबसे पहले तो बेरोजगारी पर बहुत विभिन्न मुद्दों को समझना बहुत जरूरी है कि सरकार अगर किसी तरह के प्राइवेट योजना भी लाती है तो उसको भी हम रोजगार के रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में सरकार ने शुरू किया था, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप जैसी योजनाएं शुरू किया, लेकिन इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है, ये भी रोजगारी के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये तो मैं बोलना चाहता हूँ जी, मैं बिल्कुल, ये मैं शुरू में ही बताया कि सरकार जो योजनाएं ला रही है उसको मैंने शीघ्र अतिशीघ्र कार्यान्वित करे और पूर्णतः करे, उसमें किसी भी तरह के बिचौलियों का स्थान नहीं हो और किसी भी तरह के दलालों का वहाँ पे मैंने जमावड़ा नहीं हो, वो जो है सीधा सीधा उसका फायदा जो लोग लाभ लेना चाहते हैं उनको मिले, बीच में कोई ये नहीं हो, और वो ये प्रक्रिया तेज हो और समय सीमा के अंदर निर्धारित हो, ना कि हम बस योजना कर ली और वो फाइल में रह गई, तो उस तरीके से फिर बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती चली। हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि बेरोजगारी की कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि आखिर भारत में बेरोजगारी जो इतनी ज़्यादा है तो इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण सबसे पहले कारण यह आता है कि रोजगार की कमी तो जरूर है, साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में जो मतलब जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से कौशलता की भी कमी है, कुशलता की कमी है। जैसा कि ये हम एक रिपोर्ट के अनुसार बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया जिसमें कुशल बनाने के लिए विभिन्न तरह के कानून लाए गए, विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए गए और उस हिसाब से लोगों में रोजगार मुहैया कराने की बात की गई, लेकिन अभी भी उस हिसाब से लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया। बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर रोजगार के हिसाब से देखें तो क्या आपको पता है कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक बेरोजगार हैं, वहां पे कुल 82.5% स्नातक छात्र बेरोजगारी में जी रहे हैं। अजय जी इस पर कुछ कहें। जैसे कि बेरोजगारी जो स्नातक स्तर के लोग बेरोजगार हैं उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के चक्कर में उनका एज भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आज बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोग शुरुआत तो करता है सबसे पहले अगर वो जैसे ही 3 ईयर्स से ऊपर निकलता है तो इंटरमीडिएट करने के बाद वो सुबह सुबह दौड़ने लगता है कि उसे आर्मी में जाने का ख्वाहिश होता है, डिफेंस में जाने का ख्वाहिश होता है, वो एक उम्र सीमा तक होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसका उम्र खत्म होता है तो फिर वो SSC की तरफ आता है। SSC की तरफ आकर्षित हो जाने के बाद फिर अगर उसमें नहीं होता है तो फिर और मेरे उनसे आग्रह है कि वो इस बात पे थोड़े शांत दिमाग से चिंतन मनन करें। और मुझे कहना यही है कि जब उनका परिणाम कहीं नहीं अंतिम रूप से होता है, चयनित वो नहीं कहीं हो पाते हैं, तो उससे सबसे पहला काम उनको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समाज पे बोझ नहीं है, वो इस समाज के एक ऐसे चमकते सितारे हैं जो आज अभी फिलहाल वो लग रहा है उनको कि कुछ देर के लिए वो धूमिल है, लेकिन वो धूमिल नहीं है, वास्तविक में वो 2-4-10 लोगों को और चमकाने वाले हैं, वो अपने आप में इस तरीके के बात को समझे। और दूसरी चीज़ है कि अभिभावक जो भी बात कहते हैं उसको कभी दिल नहीं है, क्योंकि अभिभावक बार बार परेशान होकर आपको इसलिए कहते हैं ताकि कोई भी अभिभावक यही चाहते हैं कि जो गलतियां मुझसे हुई पहले, जो गलती मैंने करके आया वो हमारे बच्चे ना करें, और इसलिए अभिभावक ये बात बार बार अपने बच्चों को कहते हैं, तो उन्हें अनावश्यक रूप से अपने ऊपर दबाव लेने की जरूरत नहीं है। और वहां पे जब नहीं होता है तो एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास कर लें, लेकिन उसके बाद भी लग रहा है कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है तो उस कमी को दूर करें और फिर प्रयास करें, उसके बाद भी नहीं होती है तो उसे बिल्कुल हताश ना हो, मौका मिल रहा है तो जोर लगाइए और एक दिन तो आपको सफलता मिलना ही मिलना। जी बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे अजय शंकर जी से, हालांकि हमारा मुद्दा बेरोजगारी पे है, हम लोग बेरोजगारी पे चर्चा कर रहे थे। अजय शंकर जी अभी हाल ही में सिविल कोर्ट क्लर्क के रूप में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बेरोजगारी ये वाकई हमारे समाज का एक अभिशाप बनता जा रहा है जिसमें हमारे युवा पीढ़ी पिस रही है, लेकिन समाज को समझना होगा इस बेरोजगारी से जो दबे हुए हैं छात्र हैं, युवा हैं, जो इस बेरोजगारी के चक्र में फंसे हुए हैं, उन्हें भी उतना ही सम्मान देने की आवश्यकता है जितना एक रोजगार प्राप्त युवाओं को जो वैल्यू मिलता है समाज में वैसे ही देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य रोजगार और बेरोजगारिता से उसके अंदर जो बेरोजगारिता मतलब उसके उसको जो बेरोजगार वो होते हैं उससे उसकी कुशलता को हम नहीं आंक सकते हैं। तो ज़रूरी है समाज में सभी लोगों को, ऐसे लोगों को भी मनोबल बढ़ाएं ताकि अगर उन्हें सरकारी नौकरी नहीं होती है तो उन्हें कुछ और भी करने के लिए प्रेरित करें, ऐसा ना हो कि वो हमारे समाज में या हमारे घर में अगर सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है तो बड़ी सी बड़ी समस्याएं भी आसानी से निपट जाती है। तो जब भी अगर बच्चों का सिलेक्शन ना हो तो उनका दूसरे से कंपैरिजन ना करके उनको बिल्कुल प्रेम से समझाएं, अच्छा बेटा कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, तुम एक बार और ट्राई करो, ये तुम पहली बार आ रहे हो, उसको इस तरीके से प्रोत्साहित करें। और दूसरा, युवा जो है, युवा वर्ग के लोग हैं, वो भी इस चीज को दिल पे ना ले कि मैं वो इसको माने कि ये मेरी पहली हार है और अब ये आखिरी होगी, और आगे वो पुरजोर तरीके से मेहनत करें और फिर इस बार सफलता मिलेगी उनको। तो ये मैं संदेश दूंगा युवाओं को कि फ्रस्ट्रेट ना हो और बार बार निरंतर प्रयास करें और हर एक क्षेत्र में जहां भी उनकी रुचि है वो वहां जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विजिट करें। शुक्रिया।